मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, वह अनर्गल बातें करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जा रही है, जबकि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के आग लगाने वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किया, क्या सोनिया गांधी उनके इस बयान से सहमत है? क्या कांग्रेस देश को जलाना चाहती है? तो देश में आग लग जाएगी। क्या कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी के इस बयान से सहमत है? जमीन पे कुछ बचा नहीं है और इसलिए देश जल जाएगा, आग लग जाएगी। इनने हर अच्छे काम का विरोध, कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, पत्ता भी नहीं खड़का। भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जा रही चुनाव में, कांग्रेस ने तो कभी पेश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जिस ढंग से भारत का निर्माण किया है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित भारत, हम उस रिपोर्ट कार्ड और आगे के रोड मैप को लेके मैदान में जाएंगे। और अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, अब की बार 400 बार।